بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي الأمي المكي المدني الخرشي الهاشمي وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الْمَعْسُومِينَ المظلومين المنتجبين الميامين ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في इताबिलमुबी बसमानर रहीम या अल्ल ना आमनो इत को मासदीन सामाई न मोहतरम ना जीन ग्रामी खुदांद आलम अपनी अजीम किताब बाबरकत किताब जिसमें कोई शक व को शुभा नहीं जो मुतकी लोगों के लिए हिदायत है कल किताब लई बाफ़ी ख़ुदलमुतकी वो किताब जिसकी गहराई को हम समझ नहीं सकते जिसकी आज़मत फजीलत को हम दर्क नहीं कर सकते कितना बड़ा ख़ज़ाना है क़ुरान मजीद हमारे हाथों में हम उसको पहचान नहीं सकते उसकी इरफ़ान हमें हासिल नहीं हुई है अजमतों वाले महीने में अजमतों वाली किताब की तिलावत ऐसे ही है जैसे एक आयत की तिलावत एक कुरान की तिलावत का सवाब है माह मुबारक रमज़ान है कुछ सवालत हमारे जहन में आते हैं कि अल्लाह ने रोज़े को वाजिब क्यों करार दिया है वजह क्या है रीज़न क्या है और हम गौर करें तीस दिन ही रोज़े क्यों हैं क्यों रोज़ा माह मुबारक ही में अल्लाह ने वाजिब करार दिया है बल्कि क्यों दूसरे महीनों में वाजिब नहीं है और मासूमी अलसलम ने माह रमज़ान को कौन सा महीना जाना है कुछ सवाल जिसको हम चाह रहे हैं कि उन सवालों का जवाब आपकी ख़िदमत में पेश करें इसलिए कि हो सकता है आपकी जहनों में भी हों क्यों वाजिब हुआ क्यों तीसरी दिन हैं क्यों माह रमज़ानमबारक ही में और मासूमिन ने इसको कौन सा महीना जाना है दीगर सवाल हमारे जहनों में आते हैं पहला ये रोज़ा वाजिब होने की इल्लत को आलम ने कुरान मजीद में रोज़ा वाजिब होने की इल्लत को लोगों का तकवा जाना है रोज़ा वाजिब हुआ है ताकि लोगों को मतकी और परहेज़गार बनाया जाए लोगों का तकवा जाना है लाकोम जनाब शहजादी कौन है हजरत फातिम जहरा सलामुल्लाह अलैहा, फिदक में रोजा वाजिब होने की इल्लत को लोगों का मैदान इखलास में इम्तिहान जाना है शहजादी मैदान इखलास में इम्तिहान रोजे को जाना है इसलिए कि रोजा बंदे और खालिक के दरमियान सरी इबादत का नाम है लेकिन बंदा इस बात की इतना नहीं रखता कि उसको मखफी रखा गया है इजहार नहीं किया गया है और वो क्या है जो मख्फी है जिसको इजहार नहीं किया गया है वो इखलास है खुलूस है तो जो फरमा रहे हैं खुलूस के साथ हो सकता है कि इंसान जो है ना क्या है आ, इबादत करे लोगों को दिखाने के लिए हो सकता है सदका दे लोगों को दिखाने के लिए खैरात करे लोगों को दिखाने के लिए लेकिन रोज़ा एक ऐसी इबादत है जो इंसान लोगों को नहीं बता सकता ठीक है लेकिन उसका खलूस उसका अखलास उसके अंदर छुपा हुआ होता है रोज़ा एक ऐसी इबादत है रोज़ा वाजिब होने का फ़लसफ़ा बयान करते हुए इमाम रज़ा आलाम इर्शाद फरमाते हैं कि लोगों को चाहिए कि रोज़ा रखें ताकि भूख और प्यास का एहसास करके ख़ुद को रोज़ क़यामत फ़कीर होने की दलील करार दे फलसफ़ा मौला इमाम रजा यूँ इर्शाद फरमाते हैं क्योंकि भूख और प्यास का असर इंसान को फकीर होने का एहसास दिलाता है उसके अलावा रोजा इंसान की शहवत को तोड़ता है और आखिरत की तरफ रहनुमाई करता है तीन चीजें हम लोगों को इमाम रजा के इस कलाम से मालूम होती हैं पहला क्या है रोजा इंसान को यह एहसास दिलाता है के फकीर होने का भूख और प्यास जब वो भूखा और प्यासा रहता है तब उसको एक एहसास होता है फकीर होने का दूसरा इंसान की शहवत को तोड़ देता है इसीलिए रिवायतों में और उल्मा बयान करते हैं अखलाक इर्शाद फरमाते हैं कि जब कोई इंसान गुनाहों में मुबला होने का ख़तरा महसूस करे तो वो रोज़ा रखें बाज लोगों को गुनाहों की आदत पड़ जाती है खसूस नौजवानों को आ, कुछ गुनाहों की आदत पड़ जाती है जो इस्लाम ने जिसे बहुत ही ज़्यादा मजम्मत किया है अगर उससे बचना चाहते हैं तो रोज़ा रखें तीन दिन रोज़ा रखें इन वो गुनाह जो खसूस नौजवान हैं जो शादी से पहले की जिंदगी बसर कर रहे हैं अगर गुनाहों में मुबला हो रहे हैं गुनाहों में मुबला होने का खतरा महसूस कर रहे हैं तो वह रोज़ा रखें रोज़ा इसलिए ऐसा नहीं कि सिर्फ माए मुबारक रमजान नहीं हर महीने में जब भी आप ये एहसास हो रहा है कि आपका नफ्स आपको बहका रहा है आपकी उसकी ख्वाहिशात कर रहा है वो गुनाहों की तरफ रगबत दिला रहा है तो आप उस वक्त तो रोज़ा रखो क्योंकि रोज़ा शहवत को तोड़ देता है और उसके बाद इर्शाद फरमाते हैं कि रोज़ा आखिरत की तरफ रहनुमाई करता है अब पता चला अल्लाह ने रोजे को क्यों वाजिब करार दिया तो जो फरमा पहला ये ये तुम बन जाओ दूसरा ये के तुम्हारे अंदर अखलास पैदा हो तीसरा ये कि तुम्हें फकीरी का एहसास हो चौथा शहवत आपकी टूट जाए और पांचवा आखिरत की तरफ तुम रहनुमाई हासिल करो इस वजह से अल्लाह ने रोजे को फ़र्ज़ किया है कि जब तुम रोज़ा रखोगे तो ये पांच खसलतें आपके अंदर आएंगी। अगर कोई मुत्तकी बन जाए तो वो जो फरमा रहे हैं, अगर कोई मुत्तकी बन जाए और उसके साथ साथ फकीरी का एहसास हो और उसकी शहवत टूट जाए आखिरत की तरफ रहनुमा हो तो फिर वो मुमकिन ही नहीं है कि वो गुनाहों की तरफ वो जाए और उसको रगबत दिलाए क्योंकि इसलिए कि जब गुनाहों से रोज़ा रोक रहा है और आपको मतख बना रहा है, तो फिर वो गुनाहों की तरफ इंसान जाएगा ही नहीं ठीक है और तीसरा दूसरी बात ये कि खुदा आलम ने तीस दिन ही रोजे क्यों रखे ठीक है इसके जवाब में इमाम हसन मुश्तबाला फरमाते हैं कि यहूदियों का एक गुरोह पैगम्बर अक्रम सल्ला वसल्लम की खिदमत में आया और उस गिरोह में से एक ने आप से सवाल किया यानि पैगम्बर अक्रम से सवाल किया क्यों आलम ने आपकी उम्मत पर तीस रोज़े वाजिब करार दिए क्यों वाजिब करार हैं तो आपने जवाब में फरमाया हज़रत आदम अम ने दरख्त ममनुआ में से एक फल तनाउल फरमाया था तो उसका असर तीस दिन बाकी रहा इस वजह से खुदांद आलम ने ख़ुद हज़रत आदम से कहा कि तीस रोज़े रखें ठीक है तीस रोज़े रखें ताकि उस गज़ा का असर ख़त्म हो जाए उसी तरह हज़रत आदम ने आ, क्या है आपके फ़र्जंदों पर हज़रत आदम के फ़र्जंदों पर भी रोज़े को वाजिब करार दिया है तीस दिन ताकि तीस दिन भूख और प्यास का एहसास इंसान करते हुए वो असर जो उसके अंदर गुनाहों के आ चुके हैं वो गुनाह उससे मुकम्मल तरीके से मिट जाए जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने क्या है दरख्त मन क्या है ममनुआ में से एक फल को नोश फरमाया उसका असर तीस दिन था इसीलिए उल्मा भी बयान फरमाते हैं कि अगर कोई हराम गजा खा लेता है तो तीस या चालीस दिन उसकी दुआ कबूल नहीं होती जब अपने आप को पाक करने के लिए क्या करें अपने आप को पाक करने के लिए रोजा रखे अपने आप को उससे बचने के लिए रोज़ा रखें वो असर जो हमारे गुनाह की वजह से हराम गज़ा की वजह से हमारे अंदर है वो ायल हो जाए और फिर वो रोज़ा रखने के बाद लौम तत्न वो मत और परहेज़गार बन जाए इस वजह से हम लोग को चाहिए और आ, के हम लोग इस माह में भरपूर फ़ायदा उठाते हुए रोज़े रखें ताकि हमारे अंदर जो बाकिया महीनों में हमारे अंदर जो आ गई हैं वो गलाजतों का असर खत्म हो जाए और जब ईद का दिन आए तो एक मुकम्मल मुखलिस कर, एक खुदा का बंदा जो क्या है नमाज ईद अदा करे नमाज एद, एद यही है कि वो उसका हदिया ले हदिया क्या है तख्वा खुदा उसको अदा करने वाला है तीसरा आ, सवाल यह कि क्यों रोजा माह रमजान उल मुबारक ही में वाजिब हुआ है दूसरे महीनों में क्यों वाजिब नहीं हुआ है कि आलिम आले मोहम्मद अलि में हम्मद यानि अली इबन मुसरदा सलाम इस सवाल के जवाब मेरे साथ फरमाते हैं क्योंकि माह रमजान वो महीना है कि जिसमें खुदांद आलम ने कुरान को नाजिल किया है और इस महीने में हक को बातिल को जुदा किया है क्योंकि खुदांद आलम फरमाता है माह रमजान जिसमें कुरान नाजिल हुआ 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 हो जो लोगों की हदायत के लिए है वो फुरकान भी है यानी वो कुरान फुरकान भी यानी क्या है जुदाई करने वाला हक और बातिल के दरमियान जुदाई करने वाला क्योंकि इस महीने में पैगम्बर इस्लाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत की खबर दी गई इमाम रज़ाशात फरमाते हैं क्योंकि इस महीने में वो शब है जो हज़ार महीनों से बेहतर है जिसमें हमत अलाही के तमाम अमूर मनज़म और मन होते हैं और इस शब में रिस्क में उस्त क्या है आती है उम्र में तु क्या है तोलानी उम्र होती है नमतें रहमतें बरकतें नाजिल होती हैं जिनका ंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता इस महीने की अजमत को इमाम ने अगर हम इसको खुलासा करें तो बहुत वक्त दरकार है कि जिसके लिए इमाम ने फरमाया कि क्यों इस महीने में क्या है रोजा वाजिब हुआ तो आपने फरमाया इसलिए कि इस महीने में कुरान नाजिल हुआ है तोजह फरमा रहे हैं कि फुरकान है जो आ, क्या है हकोबातल के दरमियान जुदाई पैदा करता है पैगम्बर अक्रम को नबूत की खबर दी गई है इस महीने में शब है जिसमें रिस्क इंसान को आता होता है जिसकी क्या है तो उम्र में तुलानी में क्या तुलानी होती है और फिर उसमें जो है ना बरकतें रहमतें नाजिल होती हैं तो ये इस वजह से इस महीने में इतनी फजीलतें हैं तो अल्लाह ने सोचा चले उन तमाम फजीलतों में एक और फजीलत को हम वाजिब करार दें वो रोजा है जो अफजल है इस वजह से खुदा ने आलम ने इस महीने में रोज़े को आ, तमाम फजीलतों के दरमियान एक अफजल शय है उस शय का नाम है रोज़ा इस माह में जब हम बरकतें रहमतें क्या है नाजिल हो रही हों इस महीने में अगर रोज़ा रखें तो फिर नूरन अला नूर है रोज़ा खुद फजीलत रखता है उसके साथ साथ फिर वो बरकतें खुदा की नहमतें रहमतें नाजिल होती हैं तो कितना खुश नसीब है वो इंसान जो रोजे की हालत में हो और फिर रहमतें बरकतें उसके ऊपर नाजिल होती चली जाएं तो हम लोग चाहिए कि हम इस माह से भरपूर फायदा उठाएं और रोजे जैसी अजीम, अजीम इबादत को अंजाम दें ताकि हमारा शुमार मुत्तकी और परहेजगारों में हो जाए वरम व